आज बहुत बड़ा खुशी का दिन है मेरे लिए। मेरी सिस्टर लिरिसिस्ट अतिया सैयद, उसकी आज शादी है और आई एम वेरी हैप्पी। तो बहुत सारे मेरे चाहने वाले, प्यार करने वाले सब लोग, गेस्ट सब लोग यहाँ पे मौजूद है और आज माहौल बड़ा खुशी का है। सो वी आर हैप्पी नगमा, हम साथ में, हम टीम एक साथ ही काम किया था हमने, कितना मज़ा आया। नगमा वॉज एक्ट्रेस इन दैट, मैंने म्यूज़िक किया, गाना गाया और अतिया ने लिखा है वो सॉन्ग, कितना मज़ा आया। तो आप सब लोग को पता है वो सॉन्ग बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स आ रहा है सॉन्ग। मैम आप क्या कहना चाहिए आज के दिन, शादी के दिन क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? सबसे पहले तो मैं अतिया सैयद को, जो अभी आतिया शेख बन चुकी है बट नाम सैयद ही होगा, हाँ, तो बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ उनकी नई जिंदगी के लिए। आई विश हर ऑल द वेरी बेस्ट। और बाकी वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लेखिका है और स्पेशली अभी जो मैंने दो गाने किए हैं, कितना मज़ा है और हारे हम हारे, वो दोनों गानों को ही अतिया ने ही लिखा है। तो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड द काइंड ऑफ अ टैलेंट शी हैज़ एंड शी राइट्स इट सो एक्सीलेंटली कि मेरी बेस्ट विशेज़ है कि उसकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छा हो और आने वाले वक्त में वो बहुत नाम कमाए इंडस्ट्री में, बहुत अच्छे गानों के साथ और आए। और कितना मज़ा है, जैसे बहुत सारे सुपर हिट्स गाने जो हमारे दर्शकों के लिए लेके आए। और फिलहाल और एक गाना हम लोग का आ रहा है विच इज़ कॉल्ड कंगना। तो कंगना जो गाना है वो बहुत ही खूबसूरत सा एक थोड़ा फास्ट रोमांटिक फास्ट डांसिंग नंबर है और पंजाबी टच, इट्स अ पंजाबी टच, तो वो भी अतिया ने ही लिखा है। तो वंस अगेन विशिंग अतिया वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ, मे अल्लाह ब्लेस हर एंड मे शी गेट्स एवरीथिंग शी विश फॉर। थैंक यू। कंगना गाना हम लोग या तो इस महीने के लास्ट या दिसंबर फर्स्ट वीक में शूट करने वाले हैं, तो माइट बी दिसंबर लास्ट तक वो गाना दर्शकों के बीच में आ जाएगा। सो थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। और वो अभी तक का सबसे, हम लोग का सबसे लैविश वीडियो होगा, बहुत अच्छा होगा उसका, बहुत सारा प्रमोशन होगा, दैट इज़ आवर ड्रीम प्रोजेक्ट एक्चुअली कंगना वाला सॉन्ग। और वो सेमी पंजाबी सॉन्ग है, हिंदी पंजाबी मिक्स है और उसको भी अतिया ने लिखा है। तो एक्चुअली मैंने कुछ प्लान नहीं किया था क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन प्लानिंग हुआ कि चलो उनकी शादी फिक्स हो गई है, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं अपने अटायर पे बहुत ज़्यादा काम कर पाऊँ। तो ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट ड्रेसेस है जो मैंने कुछ टाइम पहले लिया था, बट देन अगेन बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या होता है कि शादियों में बहुत कम जाना होता है, तो आज मुझे मौका मिला तो आई थॉट कि यू नो व्हाई नॉट टू वेयर दिस ड्रेस, तो फिर हमने पहन लिया। सो दैट्स इट। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। और जैसा कि आप लोग जान रहे हो काफ़ी खुशी का माहौल है एंड हमारी प्यारी बहना आतिया सैयद, जो शी इज़ अ वेरी गुड फाइन आर्टिस्ट एंड जिनके लिखावट में हम लोग म्यूज़िक बनाते हैं, और बाकी तो आप लोगों का प्यार है और यही प्यार आप लोग दिखाइए। बाकी अल्ताफ, रिसेंटली हमने साइलेंस मूवी मनोज बाजपेयी की, उसमें भी काम किया था जिसमें आतिया ने ही लिरिक्स लिखे थे। बाकी हमारे बहुत सिंगल्स आए हैं जी पे, टी सीरीज पे, ठीक है, साथ में अल्ताफ ने बहुत सारे गाने को अपने प्यारे आवाज़ में पिरोया है, ठीक है, हमने बनाया है, हम दोनों ने बनाया है, इन्होंने गाया है। सो बस प्यार बनाते हम लोग का एसोसिएशन ऐसे बस चलता रहे, हम बस यही दुआ करते हैं अतिया और अच्छा लिखती रहे, अभी शादी के बाद और भी ज़्यादा अच्छा लिखे वो, और उसके लिखने में और भी ज़्यादा फील आया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो अतिया जी को मैं बहुत सारी बेस्ट विशेज देना चाहूँगा, और जैसा कि हमारा जो सॉन्ग आया था कितना मज़ा है, उनके लिरिक्स अतिया जी थे, तो उनके लिए तो बहुत ही, हमारे लिए तो बहुत ही अच्छी बात है जो मतलब हमारे गाने के लिए दोनों भी जो गाने अभी रिलीज़ हुए हैं कितना मज़ा है और हारे हमारे, उनके दोनों भी रिलीज यही थे, तो हमारे तो बहुत ही अच्छी खुशी की बात है। बाकी और बस हम लोग ऐसे फ्यूचर में बहुत सारे सॉन्ग्स लेके आने वाले हैं, बहुत काम करने वाले हैं और बहुत सारी मूवीज़ भी करने वाले हैं साथ में। गाना अरे यहाँ पे अनोखी तो बात ना जाने है, सपनों के रास्तों ना जाने है, तू मेरा है सनम, तू मेरा हमदम, तेरे संग जीना अब सातों जन्म, तू मेरा है सनम, तू मेरा हमदम, तेरे संग जीना।